अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? माशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे कि सामने मेरे ये कुकर चढ़ा हुआ है, कुकर चढ़ा है तो मैं इसमें अभी ये चना दाल है, इसको मैं सीटी लगाऊंगी। दो सीटी लगाई हैं, इसका हम आज सब्जी बनाएंगे। तो इसको मैं अच्छी तरीक़े से धो लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया, दो तीन पहले इसको मैं डाल देती हूँ दाल को। डाल के इसको हम इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे, और इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के दो तीन सीटी हम इसको बनने के लिए रख दिए। अब हम ये तुरई की सब्ज़ी है, तो इस तुरई की सब्ज़ी को हम अच्छी तरीके से छील लेते। तो ये तीन ठो था, तो मैं तीनों को मैं अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। इसको हम ऐसे काट लेंगे, इसको काटना बहुत हार्ड है, इसको हमको काट से कटिंग करना है। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि ये हमारा चना दाल गला कि नहीं। चना दाल तो हमारा चना दाल गल चुका है, अच्छी तरीके से गल गया। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं, तेल डाल देंगे। तेल तब तक गर्म हो रहा है, इसमें लहसुन डाल देंगे। और साथ में इसमें हम मिर्ची भी हम डाल देंगे। ये मिर्ची है तोड़ के रखते, इसको डाल देंगे। इसमें हम एक कटा हुआ प्याज है, कटा हुआ प्याज को हम डाल देंगे। डाल के इसमें अच्छी तरीके से चला लेंगे। तेज पत्ता था, मैं डालने भूल गई थी, तेज पत्ता भी डाल देते हैं। अब इसमें हम प्याज लाल हो चुका, देखिए हमारा अच्छा से प्याज हो गया है। तो हम इसमें ये लहसुन अदरक कल मैं पीस के रखी थी, तो उसको मैं डाल देती हूँ लहसुन अदरक। साथ में हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। मिर्ची मैं डाली थी तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। तो डाल के धनिया पाउडर भी डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और धनिया पाउडर। इसको हम चला लेंगे, फिर अच्छी तरीके से हम इसको चला लेंगे मसाले को। क्योंकि हम बना रहे हैं चना दाल और तुरई मिक्स करके सब्जी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। नमक भी डाल ही देंगे, नमक डाले नहीं थे, अभी हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से कैसे मिला लेंगे सभी मसाले के साथ। ये मसाले थोड़ा हमारे थोड़ा भुनाना चाहिए, तभी मैं इसमें डालूँगी सारे तुरई। ये थोड़ा सा ये अभी बन रहा है, हम मसाले को थोड़ा भून लेंगे।
मसाले अच्छी तरीके से, अब तेल छोड़ने लगे हैं मसाले से, तो अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। इसमें डाल देंगे ये दाल जो मैंने सीटी लगाए थे, ये दाल को मैं डाल दूँगी। ये सारे दाल को डाल के अच्छी तरीके से चला लेंगे इसको। साथ में ये तुरई मैं कट करके रखे तुरई को डाल देंगे। तुरई को डाल देंगे, साथ में ये टमाटर भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी सब्जी कितना अच्छा और कितना टेस्टी, कितना बढ़िया लगेगा। इसको डाल के हम सारे मिला लेंगे अच्छी तरीके से, हम इसको सब मिला लेंगे। ये थोड़े से मसाले थे इसको मैं डाल देती। ये हमारे तुरई चना दाल मसालेदार सब्जी जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये सब्जी मसाला है, सब्जी मसाले को भी डाल देंगे। इसको हम डाल देंगे, डाल के इसको हम चला लेंगे। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसलिए कि हम कुकर में बना रहे हैं, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक सीटी लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा ये। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसलिए कि तुरई से पानी छूटता है और दाल मेरा पहले से गला हुआ है, तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसको एक सीटी में दूसरी सीटी आते तक हम इसको बंद कर देंगे। तो अब ये हमारा तुरई चना दाल के साथ तुरई की सब्जी बहुत अच्छे बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं, तो ये खूब अच्छी तरीके से ये गल गया है, देख सकते हैं। तो ये हमारा गल चुका है सब्जी, तो इसमें हम थोड़ा सा अभी डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला है ये वाला MDH का गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। डाल के इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरीके से। अभी इसको रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा रोटी के साथ ही अच्छा आएगा, पर हम ये अभी दिन में बनाए हैं तो ये चावल के साथ ही खाएंगे। तो ये हमारा तुरई चना दाल की सब्जी बन के तैयार है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा बना। और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।